हाँ तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और पहले अभी हम ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारे एसपी का चार्ट है 46,300 की। हम पहले कॉल लगाते हैं यहाँ पे और इसका रेट देखते हैं 221 हो रहा है। चारों मैंने पहले कॉल लगाई है क्योंकि मार्केट है ना, अभी आप देखेंगे एक भी रहना यहाँ पे रेड कैंडल नहीं है और हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और ये मैंने 5 कॉल लगाई है, आप देख सकते हैं 185 से लेके 225 सारी यहाँ पे लगी हुई है। हमने यहाँ पे सबसे पहले रिलायंस पे क्लिक किया। रिलायंस हम देखेंगे 2,2461 चल रहा है। उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे हम। ये देखिए कितना अच्छा जंप ले रहा है यहाँ पे, बायर्स काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। लेकिन अभी हमें ना कोई डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन हम लेने से पहले सारी चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे, अच्छे से समझेंगे। निफ्टी फ्यूचर को देखते हैं, 20,202 का हाई है यहाँ पे और ऑलमोस्ट हाई के पास चल रहा है। तो देखेंगे जब हमें लगेगा यहाँ पे शॉर्ट तभी हम कोई पोजीशन वो निकालेंगे। 3 मिनट के चार्ट लगा लेते हैं क्योंकि अभी हमारे 30 मिनट के लगे हुए थे। कल मैं कुछ रात को स्टडी कर रहा था उसके बेसिस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा एक रेजिस्टेंस है 20,185 का। इससे नीचे आएगा तो हम सेल में जाएंगे, अदरवाइज हम बाय में जाएंगे। और ये ऑलरेडी देखिए 46,193 के नीचे चल रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं HDFC बैंक है हमारा। HDFC बैंक भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और ये कल मैंने क्लाइंट ड्रॉ करी थी, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा भी रिमूव कर देता हूँ, मैंने डिलीट ड्राइंग करी। और यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे ये, इसके बाद हमारा जो SBI है ये भी नीचे की साइड में आ रहा है। हम इसमें वेट करेंगे कि 601 की हमारी लाइन क्रॉस कर जाए, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। 601 लाइन क्रॉस करके देन हम जाएंगे इसमें सेल के लिए। तो मार्केट में हम अभी न्यूट्रल हैं, हम यहाँ पे ना बाई का सोच रहे हैं ना सेल का सोच रहे हैं, तो दोनों के बेसिस पे हम देख रहे हैं। और मेरा जो सिस्टम लगा हुआ है अभी स्क्रीन पे, आप उस पर भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कहाँ पर हमें लेवल नज़र आते हैं, कहाँ पर हमें बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम भी खोल लेता हूँ ताकि टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को बता सकूं कि आपने कौन सी कॉल कौन सी पुट लेनी है। एक बार टेलीग्राम पे देख लेते हैं, जो फालतू के मैसेज हैं उनको भी हम हटा देंगे क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। और फिलहाल मार्केट में ठीक है, सब कुछ ओके चल रहा है। ये फालतू के मैसेज आ रखे इनको हटा देते हैं। फालतू के नहीं मतलब इनको बाद में रिप्लाई करेंगे, सारा आर्चिव कर देते हैं। हमारा SNS मार्केट ज्ञान यहाँ पे दिखे आप लोगों को, हम यही चाहेंगे। इसको डिलीट ही कर देता हूँ मैं, ये मैंने डिलीट करा, डिलीट फॉर एवर। हाँ अब आ गया, अभी हमने यहाँ पे लगा ली कॉल। अब देखिए मार्केट में थोड़ा सा ना यहाँ पे चेंज सा दिख रहा है, यहाँ पे रेड आने स्टार्ट हो गए हैं। ये आप देखिए रेड आने स्टार्ट हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अभी पहले तो देखो कितना सडन एकदम से मूवमेंट आ रहा है इसके अंदर, और निफ्टी भी नीचे की साइड में आ रहा है। तो अब लेवल्स को अपने क्रॉस कर रहा है, लेवल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, ब्रेकआउट होंगे तो उसके बेसिस पे हम करेंगे। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे पहले पुट लगा लेते हैं यहाँ पे सारी, और पुट लगा लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कौन सी पुट लेनी है, कौन सी कॉल लेनी है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया 46,200, 46,300 की भी पुट लगा देता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे 46,100 की पुट भी ऐड कर देता हूँ, एंड 46,000 की पुट भी एक ऐड कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लग गए 4 और 5। मैं ऐसा करता हूँ तीन तीन लगा लेता हूँ, एक एक हटा देता हूँ। तो ये मैंने इसमें से हटा दी, इसमें से भी एक हटा देता हूँ। तो ये मैं अभी सारा अभी भी देखो थोड़ा सा ऊपर चला गया दोबारा से निफ्टी, थोड़ा रुक के करते हैं, देखते हैं क्या समझ में आता है। और इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप में भी डालना रहेगा ताकि लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएं अपनी पोजीशंस को लेके। फिलहाल मार्केट में अभी भी दिख रहा है जो मुझे न्यूट्रल ही दिख रहा है अभी, मतलब नीचे का दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा और लेवल्स का हम वेट करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे कोई डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है निफ्टी। निफ्टी का ये जो लेवल आपको दिख रहा होगा 20,185, ये सबसे मेन लेवल है। और बैंक निफ्टी में अगर देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस से नीचे आ चुका है, ब्रेकआउट नहीं करा है ऊपर की साइड, नीचे की साइड में ही ये लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और 20,180 पर अगर दोबारा आता है निफ्टी तो हम इसमें सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमें सेल की पोजिशन बनानी रहेगी। तो अभी सब कुछ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में जाने के लिए हमें लेवल का वेट करना पड़ेगा कि हमारा निफ्टी का हाई टूटे, तब हम ऊपर की साइड में जाएंगे, क्योंकि काफ़ी एकदम से काफ़ी ज़्यादा सैलरीज में आए थे और बायर्स उनको पीछे की साइड ढकेल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ 46,000 की एक पुट लगा लेता हूँ, 46,300, 421 चल रहे, ओके कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने क्यों लगाई इसका मैं डिसीजन आपको बाद बता दूंगा, ये आप लोगों के लिए नहीं है। निफ्टी में देखें दोबारा से ऊपर जाने की साइड में जा रहा है, बैंक निफ्टी भी दोबारा से यहाँ पर रिकवर कर रहा है, बायर्स इसमें ऐड हो रहे हैं। निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया और एक और ऊपर कैंडल बनाई है, तो ये अपने हाई के आसपास ही पहुंच रहा है। इसका हाई तो 205 का है, लेकिन अभी 200 ही है, देखते हैं क्या करते हैं। रिलायंस देखिए दोस्तों, तो ये है हमारा 2462, ठीक है। और HDFC बैंक भी हमारा ऊपर की साइड में जा रहा है, ICICI हमारा नीचे जा रहा है और यहाँ पे थोड़े से बाहर आ रहे हैं। SBI हमारा लेवल से ऊपर है, लेवल अगर ब्रेकआउट करता है नीचे तो हम जाएंगे। मतलब सारी चीज़ें हमारी जब एक साइड की डायरेक्शन में जाएगी तभी हमें पोजीशन में एंट्री बनानी है,
सिर्फ एक चीज़ के बेसिस पे डिसीजन हमें नहीं लेने हैं। तो जैसे कि अब आप देखेंगे यहाँ पे रिलायंस हमारा ऊपर जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो अभी कोई डिसाइडेड मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। निफ्टी का भी कोई डिसाइडेड मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। देख रहे हैं आप ये जो लास्ट जो कैंडल बनी है, मतलब तो ज़्यादा खास नहीं बनी है, इसके बेसिस पे कोई डिसीजन लिया जाए। तो अब हम ICICI बैंक देखते हैं। ICICI बैंक 990 चल रहा है हमारा, और सामने स्क्रीन पे भी 990 ही है, और लेवल्स एक्सपोनेंशियल लगा रखे हैं मैंने यहाँ पे, और 990 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार इसको देख लेते हैं ध्यान से। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, अगर यहाँ पे लाइंस अगर हम बनाएं, लाइंस के लिए हमें क्या करना होगा, नो टूल, अच्छा यहाँ पे ऑल कर देते हैं, फेवरेट हो गया, ऑल कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद ये लाइन लेते हैं, एक एरो बनाते हैं यहाँ पे, और ये, अरे ये तो एरो गलत बन गया, इसको हटाना पड़ेगा एक बार, डिलीट ड्राइंग। और एरो के लिए हम क्या करते हैं, हम ये लेते हैं, लाइन लेते हैं। तो लाइन्स हम यहाँ पे बनाते हैं, लो से लो मिलाते हैं, और देखते हैं कि इस लाइन्स को क्रॉस करेगा या कैसे करेगा। इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान करना है। और ये हो गया हमारा ऊपर की साइड में, तो ये बैंक निफ्टी में लगा दिया हमने। इसी तरह से हम बाकी समय भी लगा लेते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी इससे हल्का सा एक हिंट मिल जाएगा, और कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें मतलब मार्केट में ये चीज़ें सबको पता होती हैं कि किस तरह से लगता है, तो इस पर आप प्योरली डिपेंड नहीं हो सकते, बस जस्ट एन आइडिया के लिए होती हैं चीज़ें। तो हमने निफ्टी के अंदर भी लगा दिया, और ये हमने लगा दिया ऊपर की साइड भी, तो इसके बेसिस पे करेंगे हम। और आप देखेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे ना काफ़ी पॉइंट गिर गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार रिलायंस भी देख लेते हैं, रिलायंस में भी लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ये मेरा जीरोधा का है दोस्तों सिस्टम, तो इसके अंदर मैं कर रहा हूँ, और आज 3 मिनट के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। ज़्यादातर हम काम करते हैं इसके बेसिस पे भी, क्या नाम है इसका, बैंक निफ्टी के बेसिस पे भी हम काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें यहाँ पे क्या काम करना है, निफ्टी के बेसिस पे भी काम करना है, बैंक निफ्टी के बेसिस पे भी काम करना है। और हम ज़्यादातर 5 मिनट की कैंडल्स पे काम करते थे, अभी हम सिर्फ 3 मिनट की कैंडल को देख रहे हैं आज, क्योंकि मार्केट अभी जस्ट ओपन हुई है, तो 5 मिनट पे इतना ज़्यादा डिपेंड भी नहीं रह सकते। और सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, सिर्फ 3 मिनट पे नहीं जाना है हमें। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ऊपर की साइड में, इसको पहले तो पुट को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि तीन तीन लगाना ही एक टाइम पे सही है। और इस समय रिलायंस देखेंगे तो नीचे आ रहा है, और स्टडीज़ आप चेक कर सकते हैं, पाइवट लगा रखे हैं मैंने कलर से हले। तो अगर आप देखें, जैसे अगर रिलायंस और थोड़ा गिरता है तो हम इसमें सेल में जाएंगे, रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर है यहाँ से, और नीचे सपोर्ट भी काफ़ी नीचे। तो ये एक जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसके बेसिस पे हम थोड़ा सा यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन सब में एक ही चीज़ एक ही डायरेक्शन आएगी। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे HDFC में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, अभी जस्ट अभी ICICI बैंक में भी गिरावट आने के चांसेस बन रहे हैं। लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, इसको क्रॉस करने के लिए वेट करेंगे हम। SBI में अगर हम जाते हैं, HDFC में अगर, ये ठीक है, कोई नहीं, टेलीग्राम है हमारा, टेलीग्राम पे अभी 308 लोग हो गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ताकि लोगों को ये रहेगा कि हाँ अभी हम देख रहे हैं मार्केट और हम देने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक बार ये स्क्रीन शॉट लेके भी ना ग्रुप पे डाल देता हूँ मैं, ताकि सब लोगों को अंदाज हो जाए। तो सबसे पहले एक बार तो हमें HDFC में ये गिरावट आ रही है, एक की हमने लाइन ड्रॉ कर ली, लो से लो मिला ली। तो आप यहाँ देख रहे हैं, 2 कैंडल से लो मिला ली हमने। अगर इस लाइन को क्रॉस करता है तो प्योरली हमारा सेल की तरफ ही जाएगा। ठीक है, इसको बंद करना होगा। तो निफ्टी में दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हुई है, और जो हमारे ग्रीन कैंडल्स थे वो रेड में कन्वर्ट हो चुके हैं। और निफ्टी भी, रिलायंस भी अगर आप देखेंगे, ये भी देखो 2459 हो गया, काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। तो इसके बेसिस पे भी कुछ डिसीजन ले जाएंगे। HDFC में अगर हम देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है मार्केट को। और ये हमारा जो है ICICI बैंक, ये भी पॉजिटिव आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उतना नहीं है, लास्ट कैंडल से भी डाउन है। और HDFC बैंक अगर हम देखते हैं, तो ये भी हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे खुला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 1650 का है इसका हाई है, ऑलमोस्ट हाई के पास चल रहा है। रिलायंस भी 65 का हाई है, ऑलमोस्ट हाई के पास चल रहा है। ICICI बैंक हमारा 92 का हाई है, ये भी ऑलमोस्ट हाई के पास ही चल रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लेंगे जब तक हाई हमारे ब्रेक्स नहीं होंगे। और SBI में 603 चल रहा है, 602 चल रहा है, 603 का हाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हमने आज 3 कॉल लगा रखे हैं, 3 पुट लगा रखे हैं। किस में जाना है, कैसे जाना है, ये आपको भी सारा वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा। और ये मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेकर ना दोस्तों डाल देता हूँ ग्रुप में, ऐड कॉल पुट बोथ इन योर वॉच लिस्ट। तो ये मैं डाल देता हूँ, ये सारे आप लोग कर लेंगे।
तो कॉल पुट आप लगा के रखिए, जैसे ही लगेगा मुझे, जैसे ही लगेगा, जैसे अभी आप देख रहे हैं काफ़ी कम रेट चल रहे हैं पुट के, कॉल के थोड़े से हाई चल रहे हैं, तो जैसे लगेगा करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं आप, ओ भाई साहब रिलायंस गिर रहा है 2459, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक और कैंडल आगे नीचे की हमारी लाइन भी हमारी क्रॉस हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी इतना क्रॉस नहीं, HDFC बैंक देखेंगे तो इसमें अभी कोई मतलब श्योरिटी नहीं लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें वेट करेंगे। तो सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ रिलायंस के बेसिस पे भी डिसीजन नहीं ले सकते हम, क्योंकि हो सकता है सडन वो मूवमेंट वापस कर जाए, तो वो वहाँ पे रहते हैं, चांसेस थोड़े से रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इमेज हमारी नहीं लगी है, ठीक है निफ्टी में देखेंगे एक बार। निफ्टी में देखें दोस्तों, अभी यहाँ पे ही थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है मार्केट, मार्केट को भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बायर सेलर से इतनी कन्फ्यूजन बना रखी है कि बाय करना है सेल करना है, और हमारा भी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम हमारा भी 9:45 क्रॉस ही हुआ है थोड़ा सा भी, कोई बात नहीं देखते हैं, हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। और ये हमारा आज का हाई है 20,205 का, ठीक है 20,205 तो अभी काफ़ी दूर है, अगर ऊपर की साइड में जाना है हमें तो 20,205 क्रॉस करने देना है। और अगर इसमें देखें हम तो ये हमारा है, ये हाई है हमारा 26,209। एक काम करते हैं, इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कर लिया हमने हाई की ड्रॉ, और ये इसको थोड़ा नीचे करके हाई पे लगा देते हैं, और हम यहाँ पे करते हैं लो की लाइन ड्रॉ, लेकिन लो से लो मिलाएंगे यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे एक एरो लाइन बना सकें। तो जैसे अगर मैंने एरो लाइन बनाई है तो इसके ब्रेकआउट का हमें वेट करना है, तब हम यहाँ पे पोजीशन में शॉर्ट शॉर्ट बन सकते हैं। मतलब कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलायंस के कन्फर्मेशन पे या फिर पर्टिकुलर निफ्टी के कन्फर्मेशन के बेसिस पे हमें टाइम नहीं लेना है, हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है। और अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो आप देखेंगे निफ्टी थोड़ा सा गिरा, कोई दिक्कत नहीं, रिलायंस में जाते हैं, रिलायंस में काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट हो गई है, 56 चला गया, अब इसमें आए, अब इसमें सेलर आए, अब आ गए सेलर इसके अंदर, और SBI में भी थोड़े से, ओ भाई साहब ये हुई बात। अब आप कह सकते हो रिलायंस भी नीचे की चला गया, HDFC भी नीचे चला गया, SBI भी नीचे चला गया, कहीं ना कहीं नीचे जाने की पोजीशन बन रही है, और निफ्टी भी हमारा नीचे की साइड अगर थोड़ा सा गिरता है तो हम इसमें शॉर्ट शॉर्ट चले जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पुट की बात करते हैं हम, तो पुट में हमें यहाँ दिखेगा 376 का रेट चल रहा है, ठीक है जाते हैं इसके अंदर जाते हैं। ये रहा हमारा टेलीग्राम, इसमें मैं बाय के लिए बोल देता हूँ, बाय गो फॉर बाय। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 46,200 के पुट का 374 रेट है, इनपुट ऑप्शन मैंने बोल दिया, इसको इनको हटा देता हूँ मैं, बिल्कुल ब्रेकआउट पे पहुँच चुका है, और 40,100 ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे ना एक हम टारगेट सेट कर लेते हैं, टारगेट हमारा क्या रहेगा आज का, लो का रहेगा हमारा टारगेट अगर हम शॉर्ट में जा रहे हैं तो, और हाई का हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, ये हमने लगाया, और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ तक लेके आऊँगा, ये यहाँ तक हो गया टारगेट हमारा, यहाँ पे 46,040 का हो गया 43 का, और ये हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस से थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, हाई से थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, ताकि मतलब हाई टूटे तो एकदम से हमारा स्टॉप लॉस ना कट जाए, तो स्टॉप लॉस कट के वापस ना आ जाए, तो इस तरह से हमें काम करना है। शॉर्ट में हम आ रहे हैं, और शॉर्ट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है ये हमारी पुट ऑप्शन चल रही है, पुट ऑप्शन में आप देख रहे हैं निफ्टी भी गिर गया है, तो पुट ऑप्शन में हमने सही डिसीजन लिया अभी। अब हमें बस वेट करना है किस तरह से हमारा नीचे जाए, ये सारी मैंने जो लाइंस बनाई थी इस सारी में यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे रिलायंस में देखिए ज़बरदस्त मूवमेंट आ रही है नीचे की साइड में, नीचे की साइड में काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। ICICI बैंक हमारा देख सकते हैं आप, ये ऊपर की साइड गया है, लेकिन इतना नहीं, SBI भी हमारा अपने जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की साइड में चल रहा है, तो यहाँ पे 601 हो गया। अब बस हमें वॉच करना है, मार्केट को वॉच करना है, और जल्दी प्रॉफिट आ जाएगा इसके अंदर, जैसे 380 आपको दिख ही रहा होगा, अभी हमने 374 पे जो पहला मैं देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग 46,200 की पुट, तो अभी 378 चल रहा है, 374 पे हमने दिया है, मतलब लेते लेते लोगों को उतना भी मिल गया होगा। ये मैंने साइड डिलीट कर दी, 46,200 की पुट दोबारा से लगा लेता हूँ, ये 376 चल रहा है, तो अभी जिन लोगों ने नहीं करा है वो इसमें कर सकता है, पोजीशन में एंटर कर सकता है, और टेलीग्राम पे जो लोग मेरे साथ हैं अभी उन लोगों को मैं ऑलमोस्ट सारे मिल रहे हैं, 307 लोगों ने यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो 379 हो गया है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी भी यहाँ पे गिरने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गिरने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, ये देखिए दोस्तों 391 हो गया है, 394 हो गया, 395 हो गया, तो अब इसको यहाँ पे निकालना ही हमारे लिए बेहतर होगा, 394
मतलब स्क्रीनशॉट लेते लेते भी ऊपर नीचे प्राइस हो जा रहा है 392 392। कोई दिक्कत नहीं, जो भी आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट में निकालते 396 हो गया, ये 403 401 फटाफट निकालते हैं, कर लो प्रॉफिट। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट के आसपास का मतलब इजी प्रॉफिट हो गया ये, और लोगों ने आराम से बुक कर लिया होगा। तो आपको जो मैं पोजीशन दे रहा हूँ, फटाफट से आप क्या करो, जल्दी से जल्दी आप है ना पहले से ही अपने 20 पॉइंट के टारगेट तो आप लगा के रखो, 20-25 पॉइंट के टारगेट लगा के रखो, ताकि आपको इजी मिल जाए। अभी भी देखो 408 407 चल रहा है, स्क्रीनशॉट लेने जा रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट लेते लेते आप देखें कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट हो रही है। पहला मैंने 400 पे दिया ये, और अभी भी वही चल रहा है। तो ये मूवमेंट के बेसिस पे होता है, फिर भी अभी हमें ना समझ चुके हैं कि पोजीशन तो हमारी निकल गई है। एक बार मैं देख लेता हूँ अपना, ये जो मैंने ट्रेडिंग पे टारगेट लगा रखा था, ये देखिए तो ऑलमोस्ट टारगेट के पास आ गया है। लेकिन जिस तरह से इसमें अभी सेलर ऐड हुए हैं ना, उस तरह से इसमें बायर भी ऐड हो सकते हैं। तो आप ही लगा लो, जब हमारा ऑप्शन में 25 पॉइंट आ गया तो इनफ है आज के लिए। 25 के अभी भी अगर अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे कम से कम 35 पॉइंट के आसपास का टारगेट हो रहा है, 35 या 30 पॉइंट के आसपास का टारगेट हो रहा है। तो इसको तो हम हटा ही देते हैं, इस टारगेट को लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एकदम से बाउंस बैक हो जाएगा, कहीं लॉस बन जाए तो वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कम पॉइंट का प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रिमूव कर देते हैं, और भी अब देखते हैं कि मार्केट में अब यहाँ से क्या मूवमेंट होगी। जैसे अभी और गिर रहा है बैंक निफ्टी, और गिर रहा है, तो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट टारगेट के पास ही पहुँच गया हमारा। और अगर हम रिलायंस को देखें तो ये भी डाउन है अभी भी, HDFC भी हमारा डाउन है, SBI भी डाउन है, और यहाँ पे देखते हैं थोड़ी देर मार्केट को, देखते हैं मार्केट कैसे मूवमेंट करती है। हो सकता है ऊपर की साइड में चले, हो सकता है नीचे की साइड में चले जाएँ। और मार्केट के साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे ही प्रॉफिट चाहिए और आप चाहते हैं ऐसे प्रॉफिट डेली मिलते रहें, तो उसके लिए आपको बस सिंपल क्या करना है, इंस्टाग्राम को आप जरूर फॉलो कर लो, वहाँ पर सारे लिंक्स हैं मेरे यूट्यूब के वगैरह वगैरह के। और टेलीग्राम पर तो मैं डेली बेसिस पर दे रहा हूँ, डेली बेसिस पर आपको फ्री में मिलता रहेगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देख रहे हैं किस तरह से बाउंस बैक कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 46,490 हो गया, बताओ। मतलब अगर हमने अभी 60 पे नहीं निकाला होता, 60 पे नहीं निकाला होता, तो हमारी जो पोजीशन है ऑलमोस्ट कॉस्ट के पास आने को रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट कॉस्ट के पास आ रही है। देखिए 378 377 375, जो हमने 46,200 की पुट दी थी, 374 पे, 375 दोबारा से होगी। तो आप कह सकते हैं मार्केट देखो कितना अच्छा है, यहाँ पे बायर्स दोबारा से इसके अंदर ऐड हो गई। ये देखिए कितने तेज, मतलब अगर हमने टारगेट नहीं हटाया तो हमारा यहाँ पे मतलब दोबारा बाउंस बैक करके दोबारा मार्केट वहीं आने के लिए, मतलब जो पहले शॉट में हमें प्रॉफिट मिलता है ना, वो हमें किसी भी तरह से बुक कर लेना है। ये देखिए बायर्स इसमें भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं कि ये थोड़ा सा यहाँ रिजेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि सेलर इतने सारे आए थे, तो ऑब्वियसली बात है बायर्स भी यहाँ पर अपना दम दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा मार्केट के अंदर किस तरह से मैंने पूरे दिन का एनालिसिस करा, मतलब एक जो मैंने एडवाइस निकाली आज, किस तरह से मैंने इसको एनालिसिस करके आज दिया है। और इसी तरह से मैं डेली बेसिस पे देता हूँ, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, टेलीग्राम पे रहेंगे, इंस्टाग्राम पे रहेंगे, यूट्यूब पे रहेंगे, यानी कि सारे प्लेटफॉर्म पे अगर मेरे साथ ऐड हो जाते हैं तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। यूट्यूब पे जो मैंने ये वीडियो डाली है, आप इसको पूरा देखना, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों का शेयर भी करें, ताकि ना उन लोगों को भी नॉलेज हो जाए मार्केट का, कि किस तरह मार्केट से हम प्रॉफिट कर सकते हैं, कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में रिलेट करती है, कैसे कैसे मार्केट में रिलायंस, HDFC, ये सब चीज़ें ना सपोर्ट करते हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी को, और हमें किस तरह से यहाँ पे जैसे मैंने लेवल्स लगाए थे, किस तरह से वो कट होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद हम पोजीशन में एंटर करते हैं। तो ये सक्सेसफुल डे था हमारा, सक्सेसफुल टू मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कराया, और इसी तरह से मैं आपको डेली प्रॉफिट कराता रहूँगा, और आप लोगों को यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होता रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसा प्रॉफिट डेली बेसिस पे दिखाऊं और आप लोग ज़्यादा से प्रॉफिट कमाएं। तो बस यही उम्मीद रहेगी, और टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे हम बाकी की बात करते हैं। थैंक यू।